मैथिली बहुत पीछे है मेरे हिसाब से, भोजपुरी बहुत आगे है। चुम्मल लको दीपका छोरा 3 बजे भोर हरिया में से भोजपुरी का भी यही हाल था जो मैथिली का है अभी। तो लोग प्रयास किए और धीरे धीरे जैसे ही आगे आगे हुआ इंडस्ट्री, वैसे मैथिली भी होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैथिली में उधर गाना थोड़ा बजा और इधर भोजपुरी में कॉपी हुआ, सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। सबसे मेरा एक अच्छा रिलेशन है तो वो एक खेसारी लाल यादव की वजह से, और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी से बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। उनके बोलने का स्टाइल जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो फिल्म भी हम साइन किए थे, बट जब लास्ट में मार्केटिंग का पता चला तो कुछ है ही नहीं, तो कौन भाई अपना इन्वेस्ट करेंगे लोग। सब भाई है, धर्मेंद्र जी भी भाई है, अभी सन्नू भी अभी बहुत अच्छा गाते हैं, और बड़े भाई हैं सन्नू भी, गौरव भाई भी हैं, बंसी भाई भी हैं, सब भाई हैं, सब भाई हैं हम लोग। जान कोना रहै छे जनकपुर में, जनकपुर में गए, जनकपुर में, जनकपुर में गए हमरा सदूर में। तो लड़की का लाइन था, रे जान मन नहीं लगे जनकपुर में। जगह होता है, सब चीज का जगह होता है कि आप कहाँ क्या सुन रहे हैं। अगर मैथिली क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पे लोग जब ऑर्केस्ट्रा होते हैं तो लोग भोजपुरी, वहीं भोजपुरी मैथिली से ज़्यादा अश्लील सुनेंगे लोग वहाँ पे, ठीक है। अगर मैथिली में अश्लील नहीं भी है, ठीक है, अश्लील नहीं भी है, फिर भी उस पर आवाज़ उठाते हैं लोग। कचुमा का दुकान है, कई ऐसे गाने हैं जो किसी लड़की पे नाम पे गाया हुआ गाना है कि बॉलीवुड में बनते आ रहे हैं गाना, कंटिन्यू बनते आ रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई दिस डैट। तो देखिए, आप जिस नज़रिया से देखिएगा, उस नज़रिया से जैसे लीजिएगा अपने ऊपर, गाना बस इंटरटेन के लिए बनता है, इंटरटेन कीजिए। अभी हमारे साथ मैथिली के सुपरस्टार अनिल यादव है, इनका कई ऐसे गाने हैं जो 100-100 मिलियन तक हिट हुआ है गाने, कई सारे ऐसे गाने हैं जो 50 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन कई ऐसे गाने हैं जो हिट पे हिट गाने दिए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप जी? धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक मेहंदी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, सभी को मेरा प्रणाम। और ठीक हूँ, ठीक है। 100 मिलियन वाला गाना कौन है आपका? वो 100 मिलियन वाला था, 3 बजे भरहरिया में था, वो आज से 3-4 साल पहले का गाना था। और बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला, बहुत बजा, मैथिली गाना हो के भोजपुरी क्षेत्र में भी बजा और बहुत मज़ा आया, और तब से काम कर रहे हैं कंटिन्यू। दोस्तों बता दें कि मैथिली एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, जैसा कि भोजपुरी डेवलप कर रहा है वैसे ही अब मैथिली इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहा है, 100-100 मिलियन गाने दे रहे हैं। जो गाने 100 मिलियन पहुँचा है 3 बजे भरहरिया में, पहले 2 लाइन हो जाए, इसके बाद हम और कुछ चर्चा करेंगे। जी जी। मिल गए लवर से छोड़ी रात के अनहरिया में, मिल गए लवर से छोड़ी रात के अनहरिया में, चुम्मल लको दीपका छोरा 3 बजे भरहरिया में। ऐसे ही था। इसके बाद कौन कौन से गाने का लिस्ट है जो हिट पे हिट होता रहा? अभी कंटिन्यू उसके बाद धनकुट्टी मशीन भी बजा था, उसके बाद और लगातार तो कंटिन्यू बजाए, बहुत सारा बजाए, कितना सुना है, 50-100 बजाए, मार्केट में अभी बज भी रहा है। अच्छा, अनिल यादव से मैथिली में मुझे लगता है कि आप सुपरस्टारों में से एक है, तो क्या फिल्म वगैरह का ऑफर आया है? इतने बड़े बड़े हिट गाने हुए हैं तो क्या फिल्म वगैरह का ऑफर आया है क्या अनिल यादव का? जी देखिए, फिल्म का सबसे पहले, फिल्म बनने से पहले हॉल होना चाहिए अब क्षेत्र में, जहाँ का लैंग्वेज है मैथिली और उस क्षेत्र में सिनेमा हॉल होना चाहिए, और मेरे हिसाब से हॉल ही नहीं है मेरे एरिया में, और जहाँ पे फिल्म बन के तैयार होके चलेगी जहाँ पे, वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल ही नहीं है, थिएटर ही नहीं है, तो कहाँ पे चलेगा फिल्म? तो इसीलिए कोई उस टाइप का बात हुआ था। दो फिल्म भी हम साइन किए थे, बट जब लास्ट में मार्केटिंग का पता चला तो कुछ है ही नहीं, तो कौन भाई अपना इन्वेस्ट करेंगे लोग फालतू का। अच्छा, मैथिली इंडस्ट्री में और भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना फ़र्क है? 100-100 मिलियन गाने तो भाई मैथिली के भी कई ऐसे गाने हैं जो गया है, आप लोग मैथिली इंडस्ट्री को उठा रहे हैं, तो मैथिली में और भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना अंतर है आप लोगों को? देखिए, सब बराबर है, और मैथिली में यही है कि अभी मैथिली बहुत पीछे है मेरे हिसाब से, भोजपुरी बहुत आगे हैं, बस प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि कुछ अच्छा हो और कुछ ना कुछ जरूर होगा, आज नहीं तो कल। जैसे भोजपुरी का भी यही हाल था जो मैथिली का है अभी, तो लोग प्रयास किए और धीरे धीरे जैसे ही आगे आगे हुआ इंडस्ट्री, वैसे मैथिली भी होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। किस किस जिले में बसता है आपका गाना?
देखिए मैथिली मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर भागलपुर भी बजता है, कटिहार पूर्णिया अररिया नेपाल में बजता है, नेपाल में 50% या 70% नेपाल बजता है, मतलब आधा मैथिली भाषी जो नेपाल के बजता है, सीतामढ़ी में भी बजता है, बस बजता है। अच्छा आप अपने जो दो चार सुपरस्टार है धर्मेंद्र निर्मलिया और भी कई लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? सब भाई हैं, धर्मेंद्र जी भी भाई हैं, अभी सन्नू भैया भी बहुत अच्छा गाते हैं और बड़े भाई हैं सन्नू भैया, गौरव भाई भी हैं, बंसी भाई भी हैं, सब भाई हैं, सब भाई हैं हम लोग। अच्छा कई ऐसे गाने हैं जो सुपरस्टार ही हैं तीन चार लोग, वो लोग एक ही गाने को सभी लोग गा देते हैं, तो ये आप कैसे हो जाता है आप लोगों को? देखिए मेरे हिसाब से तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और कोई जानबूझ के नहीं करते हैं लोग, जैसे कोई गीतकार हो गया ठीक है गीतकार करवा देते हैं क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, और हाँ भैया ये गाना है नया नया में, और उधर कहीं से होता है कि भाई तुरंत आया और तुरंत इधर करवा दिए, इन सिंगर को तो पता नहीं होता है कि क्या मार्केट में उतना टाइम नहीं कि सुनेंगे कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, काम में सब लोग व्यस्त होते हैं, तो उसी कारण कभी हो भी जाता है तो हम लोग आपस में बात करके मैनेज कर लेते हैं। अच्छा मैथिली इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, काम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ और सबसे बड़ी बात कि अच्छा करने का प्रयास रहते हैं और कर रहे हैं, और जैसे थोड़ा अच्छा लगे कि उस टाइप से हो रहा है तो अच्छा अच्छा प्रोड्यूसर लोग आएंगे काम करेंगे लोग, ऑटोमेटिक डेवलप होगा। कुछ आरोप है आप लोगों पे अश्लील गाने को लेकर? जी मैथिली बहुत मीठ भाषा है और एक बहुत ही सरलतम भाषा है मैथिली, मुझे लगता है कि 8वीं अनुसूची में वो ऐड भी है लेकिन भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी डेवलप कर गया, मैथिली 8वीं अनुसूची में होने के अनुसार भी इतना बलगर गाने क्यों आते हैं? देखिए बलगर कोई मेरे हिसाब से तो कोई गाना बलगर नहीं आया है अभी तक, और सब जगह होता है, सब चीज़ का जगह होता है कि आप कहाँ क्या सुन रहे हैं, अगर मैथिली क्षेत्र है ठीक है वहीं पे लोग जब ऑर्केस्ट्रा होते हैं तो लोग भोजपुरी वहीं भोजपुरी मैथिली से ज़्यादा अश्लील सुनेंगे लोग वहाँ पे ठीक है, अगर मैथिली में अश्लील नहीं भी है ठीक है अश्लील नहीं भी है फिर भी उस पर आवाज़ उठाते लोग, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मैथिली में नहीं बना है अभी तक कि खास करके अब किसी और का तो बुराई नहीं कर सकते हैं। आपका चुम्मा का दुकान है, कई ऐसे गाने हैं जो किसी लड़की पे नाम पे गाया हुआ गाना है कि नाम लेकर किसी माँ बहन के नाम लेकर वो ऐसा गाना है, तो ये सब तो उसी श्रेणी में आता है ना? देखिए श्रेणी का बात रहा तो बॉलीवुड में भी बनते आ रहे हैं गाना, कंटिन्यू बनते आ रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई दिस डैट, तो देखिए आप जिस नज़रिया से देखिएगा उस नज़रिया से जैसे लीजिएगा अपने ऊपर, गाना बस इंटरटेन के लिए बनता है, इंटरटेन कीजिए खत्म। जी अच्छा मैथिली पारंपरिक गाने से जाने जाते हैं, आप लोग जब आए तो ऑर्केस्ट्रा वाला गाना बनने लगा, वो हिट होने लगा, क्या लगता है वो पारंपरिक गाने विलुप्त हो रहा है आप लोगों के चक्कर में? देखिए पारंपरिक विलुप्त नहीं हो रहा है और कभी हो नहीं सकता है, और रह गया बात हम लोग के चक्कर में, तो एक समय ऐसा था कि मैथिली गाना कोई सुनता ही नहीं था, टोटल हम जैसे लग रहा था कि हम लोग मिथिलांचल में नहीं हैं, हम लोग भोजपुर में हैं, हम अपना जब हम मधुबनी में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय का बात है लोग मैथिली बोलते नहीं थे, जब घूमने जाते तो हिंदी बोलते थे लोग, मधुबनी में रह के पढ़ाई किए थे कुछ दिन तो वहाँ पे लोग मैथिली बोलते ही नहीं थे, मैथिली बोलने पे लगता था कि ये गवार आदमी है, मगर अभी का समय देखिए लोग मैथिली सुनते भी है और बोलते भी हैं। जी अच्छा सुपरस्टार भोजपुरी के सुपरस्टारों से आप क्या करना चाहेंगे, कुछ मतलब कि होता है कुछ मिलन करके, शायद से मैथिली भी एक बिहार का अंग है, तो कुछ अगर सुपरस्टार लोग जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, अगर ये लोग मैथिली गाने गा दे तो शायद क्या उत्थान हो सकता है, कुछ ऐसा आप लोग आशा है आप लोगों को? जी अगर करे तो स्वागत है इन लोगों का, और बड़े भाई हैं सब, बहुत कुछ सीखते हैं इन लोगों से, और प्रयास रहता है कि जो उन लोगों में जो अच्छाई है ठीक है उसको अपने ओर आकर्षित करें। खेसारी लाल में आप क्या अच्छाई देखते हैं? उनका जो बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है, और उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखता हूँ मैं, रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, और कहीं ना कहीं
इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं और सबसे मेरा एक अच्छा रिलेशन है तो वो एक खेसारी लाल यादव की वजह से। और सबसे पहले तो फैमिली होता है, फैमिली से जैसा मिलता है शिक्षा वैसा होता है। और जैसे वो तो है कि फैमिली से जो मुझे मिला वो नॉलेज है ही, बट कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी से बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, और उनके बोलने का स्टाइल जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो कंट्रोवर्शियल बयान होता है कभी कभी, उन पे हमेशा विवाद का चलता रहता है, गाना चोरी का मामला आता है उन पे। जी जी, कई ऐसे मामले ऐसे भी आए हैं कि मैथिली के गाने होते हैं और इधर भोजपुरी में सुपरस्टार लोग गा देते हैं। कई ऐसे सिंगर सुपरस्टार आप नाम भी ले सकते हैं बजाते, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैथिली में उधर गाना थोड़ा बजा और इधर भोजपुरी में कॉपी हुआ, सुपर डुपर हिट हो जाते हैं, तो ये कभी मामला, इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए होता क्या है, वो बताइए कि हम, कि वो सिंगर का कोई गलती नहीं होता है, जो जो भी भैया गाते हैं सिंगर का कोई गलती नहीं होता है, अगर उनको पता होता है तब उनका गलती होता है। बाकी वही गीतकार लोग करते हैं इधर से उधर तेरी बेरी करके डाल देते हैं लोग, तो गलत है गवा के किसी को, माने कि किसी को वो उसमें, देखिए बदनाम गीतकार नहीं होते, बदनाम होते हैं जैसे आप डायरेक्ट वहाँ चोरी कर लिए खेसारी लाल जादव, तो वो बदनाम खेसारी लाल होते हैं, खेसारी बड़े भैया खेसारी लाल जो हो जाते हैं उन लोगों के चक्कर में जो जिनका कोई उतना नाम नहीं है मार्केट में, और उनके चक्कर में बदनाम। देखिए जो भी गीतकार हैं और अच्छे गीतकार हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। वो कुछ नया गीतकार अच्छा वही कहलाते हैं जो कुछ नया चीज़ लाते हैं और कुछ अच्छा लाते हैं। मतलब आपके कहने के अनुसार सिंगर ऐसा गलती नहीं करते हैं, राइटर लोग गलती से सिंगर गा देते हैं। जी जी। तो लास्टली एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे, जो सबसे अच्छा हो गाना, जो आपके लिए अच्छा लगे, दर्शकों के लिए अच्छा लगे। जी जी। एक गाना आप सुनाने की कोशिश करें। और देखिए एक गाना था मेरा, बहुत बजा था, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला था। जन कोना रहै छै जनकपुर में, जान कोना रहै छै जनकपुर में, जनकपुर में गए जनकपुर में, जनकपुर में गए हमरा सदूर में। तो लड़की का लाइन था। रे जान मन नहीं लगैए जनकपुर में, जान मन नहीं लगैए जनकपुर में। वाह, बहुत बजा था गाना, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला था सभी का। चलिए मैथिली के लिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? बस ऐसे ही मैथिली को सुनिए आप लोग, अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिए, बस यही। तो अभी हमारे साथ मैथिली इंडस्ट्री के सुपरस्टार अनिल यादव जी थे। इनका कई ऐसे गाने हैं जो हिट पे हिट है, 50 मिलियन 100 मिलियन गाने पहुंचा है। हालांकि मैथिली के लिए आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और हमारे अनिल यादव भाई के लिए क्या सोचते हैं, क्या फिल्म आनी चाहिए, क्या कुछ खास इनके लिए कुछ आप कमेंट में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।